गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू द स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग अवर चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम मैथ वर्कबुक फ्रॉम पेज नंबर 26। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 से आज हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या बोला गया है, डिटेल्स ऑफ द लेंथ ऑफ द स्टेडियम ट्रैक एंड राउंड्स टू द रन टू कंप्लीटिंग अ 40 किलोमीटर मैराथन रेस आर गिवन बिलो, ऑन इट्स बेसिस फिल द एम्प्टी स्पेसेस इन द गिवन टेबल। आपको यहाँ पे 40 किलोमीटर का एक फिगर दिया गया है कि 40 किलोमीटर में कितने राउंड्स उस ग्राउंड के होते हैं, राइट? तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जो भी ब्लैंक्स दी गई है वो कंप्लीट करनी है। फॉर एग्जाम्पल 4000 मीटर में यहाँ पे जो भी डिस्टेंस है, लेंथ दी गई है वो मीटर में दी गई है और यहाँ पे राउंड दिए गए हैं। ओके, 4000 मीटर को कंप्लीट करने में वो ग्राउंड के कितने राउंड मारने पड़ेंगे, 10 राउंड। ओके, सो ऐसे ही उन्होंने बोला है कि 5000 मीटर के लिए कितने राउंड मारने पड़ेंगे, राइट? सो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है, 4000 मीटर के लिए 10 राउंड्स मारने पड़ेंगे। तो 5000 मीटर के लिए कितने राउंड्स मारने पड़ेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जिस लाइन में 2 नंबर्स हैं उसको हम ऊपर लेंगे, यानी कि क्या होगा यहाँ पे, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये लाइन में दोनों नंबर आ रहे हैं 5010, सो इसको हम ऊपर रखेंगे, जो वन नंबर है उसको डिवाइड में लेकर जाएंगे, 0000 कट करेंगे हम, सो 10 5 50 50 by 4 बचेगा। ओके, उसको डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, 12.5। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वो 12.5 राउंड मारेगा। ओके, नेक्स्ट है आपको बताना है कि 5 राउंड मारेगा तो उसका कितना डिस्टेंस कंप्लीट होगा। ओके, सो 4000 के लिए 10 राउंड्स कंप्लीट करने हैं उसे, तो 5 राउंड्स के लिए वो कितना डिस्टेंस करेगा। सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कौन से लाइन में 2 नंबर्स है, ये वाली लाइन में। सो 4000 × 5 / 10, ओके, हमारा आंसर आएगा 2000। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 2000, मीटर तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखिए 2000 ऑलरेडी दिया गया है, सो सेम हमने अभी सॉल्व किया ना कि 2000 के लिए 5 राउंड्स लगाने हैं, तो यहाँ पे तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे सॉल्व करके मैंने बताया कि 4000 के लिए 10 राउंड्स है, तो 2000 के लिए कितने, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिस लाइन में 2 नंबर्स है वो ऊपर और बाकी जाएगा डिवाइड में। सो 2000 × 10 / 4000, 0000000 कट, क्या बचा, 10 × 2 / 4, 20/4 = 5। ओके, सो यहाँ पे कितने राउंड आएंगे, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना कवर होगा 4 राउंड्स में। सो 4000 के लिए 10 राउंड्स, सो 4 राउंड्स के लिए कितना डिस्टेंस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4000 × 4 / 10। सो आपका आंसर क्या आएगा, 400 × 4 = 1600 मीटर। सो यहाँ पे आपको लिखना है 1600। ओके, नेक्स्ट 1000 के लिए कितने राउंड लगेंगे, सो 4000 के लिए 10 राउंड लग रहे हैं, तो 1000 के लिए कितने राउंड लगेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1000 × 10 / 4000, क्या आएगा आंसर हमारा, 10/4। 10/4 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 2.5, यानी कि 2.5 राउंड को मारेगा। ओके, नेक्स्ट है 2 राउंड्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा, सो 4000 में 10 हो रहा है, 10 राउंड्स हो रहे हैं, तो 2 राउंड्स में कितने। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4000 × 2 / 10, सो 0000 कट, 400 × 2 = 800, तो कितना डिस्टेंस कवर होगा 200 में, 800 मीटर। ओके, आपको समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 मैच करना है आपको। अब आपको क्या बात ध्यान रखनी है, ये वाली कि 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक सॉल्व करके बता रही हूँ, बाकी को आपको खुद करना है। ओके, सो आपको क्या फाइंड करना है, 66 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है। ओके, सो 1 मीटर आपका कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ओके, तो 66 मीटर कितना होगा, सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 66 × 100 / 1, क्या आएगा आपका आंसर, 66
00 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके सेंटीमीटर, सो हमने यहाँ पे सी लिख दिया। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 में किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब में यहाँ पे इसके नीचे आपको सॉल्व करते रहना है। ओके इसी तरीके से 60 सेंटीमीटर किस में चेंज होगा, 660 सेंटीमीटर में। ओके मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट 6 किलोमीटर 60 मीटर, ये किस में चेंज होगा, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, सो ये क्या आएगा 6060 मीटर। ओके नेक्स्ट 606 मीटर किस में चेंज होगा, कितने सेंटीमीटर में चेंज होगा, सो ये होगा 60600 सेंटीमीटर में। ओके सब में आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है, 1 मीटर इज इक्वल्स 200 सेंटीमीटर, ये लर्न होगा तो ही आप आगे सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट 6 किलोमीटर एंड 6 मीटर, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। सो 1 मीटर कितना किलोमीटर होता है, 1000, ये भी ध्यान रखना। 1 मीटर कितना किलोमीटर होता है, 1000 किलोमीटर, जो किलोमीटर में है उसमें आपको इसका यूज़ करना है, जो मीटर और सेंटीमीटर में है उसमें आपको इसका यूज़ करना है। ओके सो 6 किलोमीटर और 6 मीटर को चेंज करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर, 6006 मीटर। ओके ऑप्शन नंबर बी। नाउ 60 मीटर 60 सेंटीमीटर, इसको आपको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो आपका आंसर आएगा 6060 सेंटीमीटर। ओके सेंटीमीटर और मीटर में कन्फ्यूज मत हो जाना, ध्यान से करना, ऑप्शन नंबर डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया गया है, द एफिल टावर ऑफ पेरिस इज 330 मीटर हाई एंड द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ न्यूयॉर्क इज 320 मीटर, देन हाउ मच टॉल इज द एफिल टावर देन दैट बिल्डिंग। कि एफिल टावर की जो हाइट है वो 330 मीटर है और न्यूयॉर्क की जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है उसकी है 320, तो उसका जो डिफरेंस है वो कितना है, यानी कि एफिल टावर जो है वो कितना बड़ा है। सो एफिल टावर की हाइट को हम माइनस करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे हम न्यूयॉर्क के टॉलेस्ट बिल्डिंग को। सो 330 माइनस 320 क्या आएगा आंसर हमारा, 0003 में से माइनस 2 करेंगे तो 1330। ओके यानी कि कितनी बड़ी हुई एफिल टावर न्यूयॉर्क की बिल्डिंग से, 10 मीटर। ओके यूनिट लगाना हम बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। ओके सो एफिल टावर इज टॉलर देन न्यूयॉर्क बिल्डिंग बाय 10 मीटर। ओके नाउ द नेक्स्ट, इन द लॉन्ग जंप फॉर द बॉयज मनु हैड द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर 60 सेंटीमीटर, सोनू कम सेकेंड, ही जंप 17 सेंटीमीटर लेस देन मनु। बॉयज़ की जो लॉन्ग जंप हो रही थी उसमें मनु जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट जंप किया, कितना किया, 3 मीटर 60 सेंटीमीटर। ओके ये फर्स्ट नंबर आया। सेकंड नंबर कौन था, सोनू, उसने कितना जंप किया था, मनु की जो जंप थी उससे 17 सेंटीमीटर लेस, यानी कि कितना हुआ 17 सेंटीमीटर लेस। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है कि मनु की जंप 3 मीटर 60 सेंटीमीटर थी, तो सोनू की जंप उससे 17 ही कम थी ना, तो हम उसमें से माइनस करेंगे 17, तो हमारा आंसर आएगा 3 मीटर 43 सेंटीमीटर। तो सोनू की जंप कितनी हुई, 3 मीटर 43 सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, गोलू केम थर्ड, यानी कि गोलू ने थर्ड जंप किया, कितना जंप किया, ही जंप्ड 3 मीटर 31 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्ग जंप ऑफ सोनू एंड गोलू। तो गोलू ने जंप किया था 3 मीटर 31 सेंटीमीटर, अब आपको डिफरेंस बताना है सोनू और गोलू का। तो सोनू का आपने अभी अभी फाइंड किया, गोलू का ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप डिफरेंस किस में से निकालोगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करोगे, तो बड़ी वैल्यू किसकी है, सोनू का जंप का। तो सोनू का जंप इज 3 मीटर 43 सेंटीमीटर और गोलू की कितनी है, 3 मीटर 31 सेंटीमीटर। ओके सो हम डिफरेंस यानी कि माइनस करेंगे, 3 में से 1 जाएगा 2, 4 में से 3 जाएगा 1, 3 3 0, तो गोलू और सोनू की जंप का डिफरेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द हाई जंप फॉर द बॉयज हीरेन जंप 1 मीटर 20 सेंटीमीटर
ओके हाई जंप हो रही थी बॉयज की, जिसमें हिरेन की जंप कितनी थी 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, सुरेश ने कितना जंप किया 5 सेंटीमीटर लेस, यानी कि सुरेश की जो जंप थी वो हिरेन से 5 सेंटीमीटर कम थी। कम थी इसका मतलब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किया है, हिरेन्स जंप इज इक्वल्स टू 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। मीटर और सेंटीमीटर मैंने अपवर्ड में लिख दिए हैं, आपको इनके साथ लिखने की जरूरत नहीं है। ओके अब सुरेश की जंप कितनी कम थी उससे, ओनली 5 सेंटीमीटर, सो माइनस 5 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे 0, तो हम कैरी फॉरवर्ड लेंगे साइड से, 10 माइनस 5 5, यहाँ से हमने कैरी फॉरवर्ड लिया था इसलिए यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा। सो 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1, तो सुरेश की जंप कितनी हुई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। ओके नाउ अब क्या क्वेश्चन पूछा है, महेश जंप्ड 1 मीटर 9 सेंटीमीटर। अब महेश ने कितना जंप किया है 1 मीटर 9 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाई जंप ऑफ सुरेश एंड महेश। अब महेश का जंप यहाँ पे दिख गया, सुरेश का आपने फाइंड किया, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब माइनस। ओके सो डिफरेंस किसका निकालना है, सुरेश एंड महेश का। तो सुरेश का जंप ज्यादा है महेश से, तो सुरेश का जंप हम पहले लिखेंगे 1 मीटर 15 सेंटीमीटर एंड महेश का जंप कितना है 1 मीटर 9 सेंटीमीटर। ओके सो 15 में से 9 जाएगा तो 6 एंड 1 माइनस 1 0, यानी कि कितना डिफरेंस हुआ सुरेश और सुरेश की जंप का और महेश की जंप का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सुरेश एंड महेश जंप इज 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर से उनका जंप डिफरेंस में है। नेक्स्ट पेज, इन द लॉन्ग जंप फॉर गर्ल्स गोपी हैड द शॉर्टेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर 32 सेंटीमीटर, मीनू केम सेकेंड। लॉन्ग जंप में गोपी का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था 3 मीटर 32 सेंटीमीटर, मीनू सेकेंड आई थी, शी जंप 12 सेंटीमीटर मोर देन गोपी, यानी कि सबसे थर्ड पे कौन आया था, गोपी। गोपी का कितना था 3 मीटर 32 सेंटीमीटर, अब मीनू जो थी वो सेकेंड आई थी, उसने गोपी से 12 सेंटीमीटर ज़्यादा जंप किया था। अब यहाँ पे मोर लिखा है, ओके मोर मतलब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे इनके जंप को। सो गोपी जंप कितनी थी 3 मीटर 32 सेंटीमीटर, उसमें मीनू की जंप ऐड करेंगे, कितनी ज़्यादा की थी उसने 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर को हम इसमें ऐड करेंगे, 2 2 4 3 + 1 4 3 + 0 3। सो मीनू की जंप कितनी हुई, मीनू जंप इज 3 मीटर 44 सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा है, शी गोलू एंड नीलू सॉरी नीलू जंप्ड लॉन्गेस्ट, यानी कि नीलू जो है वो और ज़्यादा जंप सबसे हाईएस्ट जंप इसकी थी, शी जंप्ड 13 सेंटीमीटर मोर देन मीनू, यानी कि जो सेकेंड आई थी उससे भी 13 सेंटीमीटर ज़्यादा। सो सेकेंड कौन था, मीनू, इसमें हम 13 सेंटीमीटर और ऐड कर देंगे तो ये किसकी जंप हो जाएगी, नीलू की, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 13 सेंटीमीटर मोर देन मीनू। ओके सो मीनू की जंप हम पहले लिखेंगे 3 मीटर 44 सेंटीमीटर, नीलू की जंप लिखेंगे कितनी ज़्यादा है 13 सेंटीमीटर, तो 13 हम इसमें ऐड करेंगे। ओके ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, 4 + 3 = 7 4 + 1 = 5 3 + 0 = 3। सो नीलू की जंप कितनी हुई 3 मीटर 57 सेंटीमीटर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्ग जंप ऑफ नीलू एंड गोपी, यानी कि जो फर्स्ट नंबर आया नीलू उसकी जंप से गोपी कितनी पीछे है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस लिखा हुआ है। ओके सो नीलू की जंप कितनी है 3 मीटर 57 सेंटीमीटर, राइट, और मीनू की जंप कितनी है 3 मीटर 44 सेंटीमीटर, माइनस करेंगे, 7 में से 4 जाएगा तो 3 5 में से 4 जाएगा तो 1 3 में से 3 जाएगा तो 0 0। सो डिफरेंस कितना हुआ 13 सेंटीमीटर का। ओके ओके नाउ नीचे जो है ना क्वेश्चन नंबर 19 में आपको एक टेबल दिया गया है, उसकी हेल्प से आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करना है। ओके तो स्पोर्ट्स दिए गए हैं हाई जंप एंड लॉन्ग जंप,
मैन एंड वुमेन के, ओके, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड इंडियन रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड में पूरे कंट्री आ जाती है, इंडियन रिकॉर्ड में सिर्फ हमारे इंडियंस के रिकॉर्ड है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मैंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप, यानी कि चंद्रपाल को कितने सेंटीमीटर की ज़रूरत है वर्ल्ड रिकॉर्ड के हाई जंप को इक्वल करने के लिए। ओके, तो ये ध्यान रखना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है, इंडियन रिकॉर्ड ये है, ठीक है। वर्ल्ड रिकॉर्ड में कितना है, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, चंद्रपाल का क्या है, 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, तो इसको और कितनी ज़रूरत है जो इसके इक्वल आएगा, तो हम जेवियर की जंप में से चंद्रपाल के जंप को माइनस कर देंगे। ओके, सो जेवियर की जंप कितनी है, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, एंड चंद्रपाल की जंप कितनी है, 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 15 में से 7, 8, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 2 माइनस 2, 0, यानी कि उसको कितने रन की और ज़रूरत है, कितने सेंटीमीटर की और ज़रूरत है, 28 सेंटीमीटर की। सो ही नीडेड 28 सेंटीमीटर मोर टू इक्वल द मैंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शुड अंजूज जी जंप टू इक्वल टू वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लॉन्ग जंप। अब यहाँ पे देखिए, लॉन्ग जंप जो है अंजू का, वो 6 मीटर 83 सेंटीमीटर है। सो इसको कितने और की ज़रूरत है जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के सेंटीमीटर पे आ सके, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में कितना है, 7 मीटर 52 सेंटीमीटर गैलिना का। ओके, सो अंजू को कितनों की ज़रूरत है इसके इक्वल करने के लिए, सो हम इसमें से ये माइनस कर देंगे। सो हम गैलिना का जंप में से अंजू की जंप माइनस करेंगे, 7 मीटर 52 सेंटीमीटर में से 6 मीटर 83 माइनस करेंगे, तो हमारा 12 में से 3 जाएगा तो 9, 1 कैरी फॉरवर्ड लिया था हमने यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 8 जाएगा, नहीं तो अगेन कैरी फॉरवर्ड लेंगे तो 14, 14 माइनस 8, 6, 6 माइनस 6, 0। सो उसको कितने सेंटीमीटर की ज़रूरत है, 69 सेंटीमीटर की और ज़रूरत है वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड को इक्वल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बॉबी एज जंप टू रीच द 2 मीटर्स। बॉबी की जो जंप थी उसको और कितने मीटर की ज़रूरत है 2 मीटर तक पहुँचने के लिए, सो 2 मीटर में से हम बॉबी की जंप को माइनस कर देंगे। ओके, सो 2 मीटर यानी कि 2 मीटर 00 सेंटीमीटर, एंड बॉबी की जंप कितनी है, 1 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर। माइनस करेंगे, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 9 0, अगेन यहाँ से कैरी फॉरवर्ड लिया था हमने यहाँ पे, तो 1 माइनस 1 0, यानी कि उसे कितने सेंटीमीटर की ज़रूरत है, 9 सेंटीमीटर की ज़रूरत है 2 मीटर तक पहुँचने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड द इंडियन रिकॉर्ड ऑफ हाई जंप फॉर मैन। अब यहाँ पे सिर्फ मैन का देखना है कि मैन का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो कितना है, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, और इंडियन रिकॉर्ड कितना है मैन में हाई जंप में, 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। ओके, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, सो माइनस करेंगे हम, 45 में से 17, 28, एंड 2 माइनस 2, 0, यानी कि जो डिफरेंस है हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडियन रिकॉर्ड में हाई जंप में सिर्फ मैन का, वो है 28 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शुड अमृतपाल जंप टू रीच 9 मीटर्स इन लॉन्ग जंप। अमृतपाल को लॉन्ग जंप में 9 मीटर कंप्लीट करने में कितने सेंटीमीटर की कमी रह गई, तो 9 मीटर में से हम अमृत की जंप को माइनस करेंगे, सो 9, 0, 0 सेंटीमीटर माइनस अमृत की कितनी है, 8 मीटर 8 सेंटीमीटर। ओके, माइनस करेंगे, 10 माइनस 8, 2, 9 माइनस 0, 9, 8 माइनस 8, 0, सो उसको कितने सेंटीमीटर की और ज़रूरत है, 92 सेंटीमीटर की और ज़रूरत है 9 मीटर तक पहुँचने के लिए। नेक्स्ट, गैलिनाज लॉन्ग जंप इज नियरली ब्लैंक। सो गैलिना की जंप कितनी है वो देखिए, तो गैलिना की जंप है 7 मीटर
52 सेंटीमीटर, ये किसके इक्वल है 7 मीटर के? नो, ये ऑलरेडी 52 सेंटीमीटर और ज़्यादा जा चुकी है 7 मीटर से, सो ये नहीं है। 8 सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर के लिए 48 सेंटीमीटर की और डिफरेंस है। ओके, 48 सेंटीमीटर की कमी है, तो ये भी नहीं है। 8.5 यानी कि ये तो 8 मीटर से भी अप हो गया। अब 7 मीटर 52, इट मीन्स 7.5। ओके, इट मीन्स 7.5, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 7.5। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाइएस्ट जंप? वर्ल्ड रिकॉर्ड में लॉन्गेस्ट जंप और हाइएस्ट जंप में क्या डिफरेंस है लेडीज में? सो लॉन्ग जंप गैलिना की है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, एंड हाई जंप स्टेफका की है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। माइनस करेंगे सो क्या डिफरेंस आएगा? 12 में से 9 जाएगा तो 3, 5, 4 में से 0 जाएगा 4, 7 में से 2 माइनस होगा तो 5। सो डिफरेंस कितना निकला? 5 मीटर 43 सेंटीमीटर। ओके, आज हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।